I welcome you back in the next topic of business services, where we did banking as a part of business services. Today, I will start for the insurance. The insurance you have studied that it is removing the hurdle of risk. How the insurance is removing the hurdle of risk? Insurance compensates all the losses to a business organization whichever is being suffering the loss due to any one of the reason or due to predetermined reasons. Before going that how the business organizations are being protected from the losses, let us try to understand the meaning of insurance. So insurance is a contract or agreement under one party agrees in return for a consideration to pay an agreed amount of money to another party to make a loss for damage or injury to something of the value in which the insured has a pecuniary interest. कुछ भी समझ नहीं आया, नहीं आया ना? चलिए एक layman की language में बात करते हैं. Basically, insurance is a contract between two or more parties, where one party agrees कि मैं आपको monthly, half yearly या annually एक certain amount दूंगा. क्यों दूंगा? क्योंकि अगर मुझे due to certain reasons, वो reasons पहले से ही defined होंगे, ड्यू टू सर्टेन रीजन्स अगर लॉस हुआ तो आप मेरा लॉस कंपनसेट करोगे. समझ रहे हैं आप? दैट इज इट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज. चलिए आप और मैं, जहां मैं आपको ये कह रही हूं कि मैं आपको एक सर्टेन अमाउंट की पेमेंट करूंगी, वो अमाउंट मंथली भी मैं पे कर सकती हूँ, हाफ ईयरली भी या एनुअली भी, राइट? व्हाई आई एम पेइंग टू यू? बिकॉज आई वांट कि कुछ सर्टेन केसेस की वजह से, कुछ सर्टेन कंडीशंस की वजह से अगर मुझे कोई लॉस होता है तो आप मुझे कंपनसेट करें. डेफिनेटली आप भी एग्री करेंगे तभी मेरा लॉस कॉम्पनसेट होगा. अगर आप एग्री नहीं करेंगे तो फिर हम लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे. सो इट इज एन एग्रीमेंट अंडर विच वन पार्टी एग्रीज इन रिटर्न फॉर ए कंसिडरेशन टू पे द एग्रीड सम ऑफ मनी टू अनदर पार्टी. व्हाई? बिकॉज लॉसेस इज देयर, डैमेज इज देयर, इंजरी इज देयर. सो और उस चीज की इंजरी, उस चीज का लॉस जिस में आपका इंटरेस्ट है, जो आपसे बिलोंग करती है. ऐसा नहीं कि सड़क पर चलती हुई किसी कार का एक्सीडेंट हो गया तो आप कहेंगे कि कार का एक्सीडेंट हो गया, अब मुझे जो है वो इसके बदले में पेमेंट की जाए. नहीं, अगर वो कार आपकी है तो डेफिनेटली यू वुड बी paid. Okay, so now this agreement will be known as a policy. जब हम ये चीजें बातें return में लेंगे तो this will be known as a policy. And the person whose risk is insured, जिसके risk को insurance दिया गया, he will be that agreement will be called a policy. And jiska risk insure hua
वो इंश्योर्ड, और जिसने इंश्योरेंस किया उसको इंश्योरर, अंडरराइटर या एश्योरर कहा जाता है। तो लेट्स हैव ए लुक ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ, सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज अटमोस्ट गुड फेथ। हाउ द अटमोस्ट गुड फेथ कैन बी एक्सप्लेन्ड, दैट वेयर आई एम सेइंग दैट इट इज ए इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, तो टू पार्टीज मस्ट हैव सम फेथ टू ईच अदर। ऐसा नहीं कि दोनों पार्टीज इस कोशिश में ये कॉन्ट्रैक्ट करें कि मैं एक दूसरे को चीट कर सकूं। नो, बोथ पार्टीज शुड हैव द इंटरेस्ट इन ईच अदर। दैट्स व्हाई द दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी सक्सेसफुल। नाउ अदर वन, यू आई कैन कोट यू विद दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। द एग्जाम्पल इज कि मैं बिजनेस शुरू कर रही हूँ, लेकिन मैंने उस बिजनेस प्रमाइसेस का इंश्योरेंस करवाया और इंश्योरेंस कंपनी को ये नहीं बताया कि पास में क्रैकर्स बनाने की फैक्ट्री है। और एक दिन अचानक से क्या हुआ, ड्यू टू फायर इन दैट क्रैकर मेकिंग फैक्ट्री मेरा बिजनेस भी वहाँ से अफेक्ट हो गया। तो मैंने ये बात छिपाई कि मेरे नज़दीक क्रैकर्स बनाने की फैक्ट्री है, इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी कैन कैंसल दिस कॉन्ट्रैक्ट। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ए बाइंडिंग टू बोथ पार्टीज, एक पार्टी के साथ साथ दूसरी पार्टी को भी ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज टू बी डिस्क्लोज्ड। द नेक्स्ट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट सेज दैट द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। मीन्स आप जिस चीज का, जिस पर्सन का इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं, उस पर्सन में, उस चीज में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट होना चाहिए मीन्स उसके होने या ना होने से आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट होना चाहिए, फाइनेंशियल इफेक्ट होना चाहिए। सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स इफ यू कांट से कि मैं ताजमहल का इंश्योरेंस करवा दूं और अगर कहीं कोई डैमेज होता है तो ताजमहल के रिकवरी की फॉर्म में मुझे करोड़ ऑफ रुपीस मिल जाए। नो, बिकॉज यू आर नॉट द ओनर ऑफ ताजमहल, यू आर द ओनर ऑफ योर ओन प्रॉपर्टी, ओन हाउस, ओन बिजनेस प्रिमाइसेस। उसका तो इंश्योरेंस करवा सकते हैं, उसके होने या ना होने से आपको इफेक्ट हो रहा है। यू मस्ट हैव सम पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मीन्स जिस चीज का इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है, उसमें आपका इंटरेस्ट है, इसीलिए आप उसको इंश्योर करवा सकते हैं। अदरवाइज यू कांट इंश्योर दैट थिंग और दैट सब्जेक्ट मैटर through which you are not concerned. So, in the same way that life insurance भी उसी का करवाया जा सकता है जिसमें आपका कोई interest है, जिसकी होने या ना होने से, जिसकी existence से आपको कहीं ना कहीं कुछ किसी तरह का financial loss suffer होता है। सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट, विद द इंश्योरेबल इंटरेस्ट द नेक्स्ट वन इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडेमनिमिटी। इंडेमनिमिटी द हिंदी वर्जन इज क्षतिपूर्ति। कहते ऑल द कॉन्टेक्ट्स ऑफ फायर एंड मैरिन आर द कॉन्टेक्ट ऑफ इंडेमनिमिटी। मीन्स
इंडेमनिमिटी सेज दैट टू पुट ए पर्सन इन द सेम सिचुएशन एज ही वॉज बिफोर द लॉस मीन्स मेरी क्रैकर्स बनाने की फैक्ट्री थी, उसमें आग लग गई, मेरी बिल्डिंग बुरी तरह से जल गई, कुछ और एसेट्स पड़ी हुई थी वो जल गई, बट उसका इंश्योरेंस हुआ हुआ था। तो जब जल गई, इंश्योरेंस हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे जो भी मेरा सामान डिस्ट्रॉय हो गया है उसको कंपनसेट कर देगी। तो मैं पहले वाली पोजीशन में, मींस मेरे पास अब मनी भी है और बिजनेस भी है, आई कैन स्टार्ट अगेन माय बिजनेस। मीन्स ऐसा नहीं कि मेरे पास लैंड थी, फैक्ट्री थी जिसमें मैं क्रैकर्स बना रही थी, और भी फैक्ट्री को मैंने वेल मैनेज कर रखा था, बहुत सी अंदर से इक्विपमेंट्स यूज़ कर रही थी मैं, लेकिन आग लगने की वजह से अगर वो भी जल गए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको जितना भी नुकसान हुआ है पूरा का पूरा नुकसान कंपनसेट करके देगी। तो इट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।